تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح، فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبخترت رجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح، إلى الله عدنا. अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमने जाना है जापान का एक बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। तो मेरे साथ जाएंगी मेरी फ्रेंड भी और मेरी सिस्टर इन लॉज भी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी जापान के फेस्टिवल किस तरह के होते हैं, जैपनीज़ लोग कैसे अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सबके साथ साथ मेरे लिए भी ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ डेली रूटीन, घर की ज़िंदगी और ये सारा कुछ शेयर करती हूँ, बट आज हम एक्सपीरियंस करेंगे जापान के फेस्टिवल को। तो उसके साथ ही हम एक और न्यू चीज़ आज जापान में देखेंगे, जो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी, तो वो है जापान में रश। और आज जापान में इतना ज़्यादा रश था कि आज सड़क पर गाड़ियों की जगह पर लोग ही चल रहे थे। और यहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो यहाँ पे बहुत से स्टॉल्स लग जाते हैं, जैसे खाने पीने के, फ्लावर्स वगैरह के, डेकोरेशंस के, और जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है अपने कस्टमर्स को। बट पाकिस्तान में इसके ऑपोजिट होता है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तानी जो है वो अपने रेट्स हाई कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बंदा अपने रेस्टोरेंट के रेट्स बता रहा है कि हमें इतना डिस्काउंट किया है, आप सबने यहाँ पे आके खाना खाना, और बहुत ही फनी वे में बता रहा था, सब लोग हंस रहे थे इसकी बातें सुन के। और यहाँ पे सारे इसलिए खड़े थे क्योंकि आगे सिग्नल बंद था। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, बट ये था कि यहाँ पे कुछ भी हलाल नहीं था। और ये देख के ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि अगर पाकिस्तान होता, इस तरह का कोई भी इवेंट होता, साथ फ्रेंड्स होते, तो हम कितना एंजॉय करते। इतने रश की तो मैंने आपको वजह ही नहीं बताई कि ये सब लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो उस फेस्टिवल का नाम है समर फेस्टिवल, और ये जो है ना हर सिटी में डिफरेंट डेट्स में होता है। तो ये लोग जो है जब भी समर्स आती हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उसके बहुत से इवेंट्स और बहुत से फेस्टिवल होते हैं। आज जो फेस्टिवल है वो है फायरवर्क का फेस्टिवल, और जैपनीज़ में उसे कहते हैं हनाबी। और फाइनली बहुत ज़्यादा चलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, और यहाँ पे हम बैठ के देखेंगे हनाबी। और मोस्टली लोग जो हैं वो इसलिए जल्दी आते हैं ताकि उन्हें बैठने के लिए कोई जगह मिल जाए, वरना आपको खड़े होकर पूरा फंक्शन देखना पड़ता है। तो हम भी जाते हैं और देखते हैं कि हमें कोई बैठने के लिए जगह मिलेगी या नहीं, और उम्मीद तो है कि मिल जाएगी। सो फाइनली हमें यहाँ पे जगह मिल गई थी बैठने के लिए, और अब हम यहाँ पे बैठ के इस हनाबी सेलिब्रेट करेंगे, और आप सब भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें हनाबी को। सो फाइनली शाम के 7:30 बजे फिक्स टाइम पे हनाबी स्टार्ट हो गई थी, जो टाइम हमें मेंशन किया गया था सेम उसी टाइम पे हनाबी स्टार्ट हुई, और हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और हमसे भी ज़्यादा रायान ने इंजॉय किया, क्योंकि रायान का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जैपनीज़ थे, और जैपनीज़ इसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो सब जैपनीज़ के साथ इसने बहुत ज़्यादा खेला। सो गाइस, तो आप सब भी रायान के साथ हनाबी को एंजॉय करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको जैपनीज़ का समर फेस्टिवल कैसा लगा। और इस वीडियो के एंड में मैं भी आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी कि मुझे इस फेस्टिवल में क्या ऐसी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी लगी, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो बुरी लगी। इसके अलावा जो लोग जापान से ही देख रहे हैं वो सब भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबकी सिटी में हनाबी फेस्टिवल कैसा हुआ। और यहाँ पे मोस्टली जैपनीज जो थे वो खाना शाना साथ लेके आए थे, तो वो अपने खाने को भी साथ एंजॉय कर रहे थे।
तो रयान ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फनी सीन किया। ये लड़कियाँ कुछ पी रही थी तो इनके पास गया और इन्हें इशारे करके कहता है कि आप हनाबी पे ध्यान दो और खाना पीना थोड़ा सा कम करो। तो इसकी एक्सप्रेशन देख के वो बहुत ज्यादा हंसी, और फिर जब तक रयान उधर था तो उन्होंने खाने पीने से ज्यादा हनाबी पे तवज्जो रखी। और हनाबी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम चलती रही, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा क्लिप शूट नहीं की क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी थी। और उसके अलावा थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद हम थोड़ा सा जल्दी निकल आए थे वहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था। और अब हम डिस्कस करते हैं आज के फेस्टिवल के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट ये थे कि इतनी रश के बावजूद भी कोई हंगामा क्रिएट नहीं हुआ, किसी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सब ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उसके बाद यहाँ की पुलिस ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, यहाँ सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा कि कोई हादसा ना पेश आ जाए। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट जस्ट ये था कि हलाल फूड नहीं था, उसके अलावा कोई इतना खास नेगेटिव पॉइंट नहीं थे यहाँ पे। और इसके अलावा इस साल की हनाबी इसलिए भी बहुत स्पेशल थी क्योंकि ओयामा को 70 इयर्स कंप्लीट हो गए थे और ये ओयामा की प्लेटिनियम जुबली थी, तभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए गए। और आज के इसी फाइनल फायरवर्क के साथ ही हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा।